तुक्का शिवम के लिए, और इसकी बैकग्राउंड पीछे से है, ये यहाँ से नहीं है, सैंड वाले टास्क के अंदर शिवम जब वो वायर ऐसे निकाल रहा था तो उसको एक बॉल हिट हुई थी जो अली ने मारी थी, वो इतनी तेज हर्ट हुई थी कि मैंने खुद देखा उस दर्द को, मैं बाप हूँ मैं उस दर्द को समझ सकता हूँ, मगर उसके बावजूद भी उसने वो टास्क अमेजिंग ढंग से फिनिश किया था, सबसे बेहतरीन ढंग से। और जब फिर मौका सेम अंजलि का आया तो पायल जी ने भी बोला कि शिवम मैं देख रही थी तुमने उसको हिट नहीं किया, वो क्यों हिट नहीं किया एज ए गर्ल, वो इसलिए कि उसे उस दर्द का एहसास था कि अगर मैंने बॉल हिट की, और ये उसी तरह से अंजलि को लगी नेस्तनाबूद, और ये बात चूंकि अंदर लॉकअप में ये बोली गई थी, कई बार बोली गई, अंजलि को ये फील और ये महसूस होना चाहिए था कि इसका इसने मुझे बॉल क्यों नहीं हिट की, वो इसलिए हिट नहीं की, हर्ट हो जाएगी और इसको बहुत तेज लगेगी गेंद इस हिसाब से। और ये भी था कि मतलब पहले ही दिन जब मलिका हिंदुस्तान का स्टेज दरबार सजा हुआ था तो उसने सबसे पहले ही बोला था कि ये मैं इसको आउट करना चाहती हूँ, और उस दिन से लेकर हमेशा शिवम ने उसको कभी भी उसका रिवेंज लेने की कोशिश नहीं की, कभी कोई मतलब बदला लेने की कोशिश नहीं की कि इसने मुझे फिर से मतलब शो से बाहर करने की कोशिश की थी, ये सब चीज़ें अंजलि को देखनी चाहिए थी। अबव ऑल इन सब के बाद भी उसने जो मुनव्वर के साथ किया, ठीक है इंडिविजुअली दिस इज अ वेरी गुड टास्क, उसने जो खेला अमेजिंग खेला, पर वो फेथफुल दोस्त बाहर तो हो सकती है गेम में नहीं, तो मैं अपने शिवम की जो भी रास्ते की बाधाएं उसमें से सबसे बड़ी बाधा ऐसे ही को अंजलि को समझता हूं कि जो उसकी गेम को और उसकी फील को नहीं समझ पाई, इसलिए मेरा नाम अंजलि अरोड़ा नहीं अभी दूसरा नाम देना पड़ेगा, अंजलि ऑलरेडी लॉक इन है। आपका शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर शर्मा, जब तक आप जेल में हैं, यहां पर यहां के सारे नियम आप पर भी लागू होंगे। अच्छा, आपको अब एक बैरक में भेजा जाएगा। फंसा दिया अंदर बुला के, नोटिस के बिना बैरक से बाहर आना सख्त मना है। ठीक है जनाब, कबूल, बच्चे से मिलने के लिए कुछ भी कर सकता है पंडित। अरे वो क्या क्लोजली शो देख रहे, चलो आ जाओ। आ जाओ अंकल, मुझे को ताव देते हुए। ये ताव वाली नहीं है पापा के माइक लगा दिया तू ला, चल टीवी पे लाना चाहता था ना बस हो गया काम पूरा। धन्यवाद शशिकला जी, आपका नाम बहुत सुनते हैं, देखा आपको अभी आज है। शिबो शिव शंभू बोले बंदारी, सिद्धू पर है कृपा तुम्हारी, आई लव यू मेरे बच्चे।
जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ठीक हो? मैं खुशबू तो लेने दे अपनी। ठीक है, एक नंबर एक नंबर। अंकल आके बैठेगा, ब्लैंक चेक इना लेगा। ये दिखाता क्यों नहीं है? नहीं, नहीं, यार तू दूसरा शिब्बू है यार, बाइक उड़ कह रहा हूँ मैं, चाहता हूँ ये तेरे जैसे बने। अरे ये मेरे से बेटर है, है? ये मेरे से बेटर है, वापस एक है, ये मेरे से बेटर है। इतना खूबसूरत बेटा आपने पैदा किया। पहले सबको जय श्री राम, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। कैफ हाल है क्या सदी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो बेटा, अंकल तो मेरी बात लेकर आए। मैंने क्या बोला है? इसको तेरे जैसा ही बनना चाहिए। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। कैसी है हबीबा? बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हो? यल्ला सलाम। क्या बात है, नमस्ते अंकल जी। संग्राम जी मैं आए हुए बार खड़े हैं। वैसे मैंने झूठ बोला। नहीं, मेरे को नहीं पता यार, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ। हमारी दोस्ती है, है? हम तीनों की है। हम तीनों की है, मैं आजमा और पाल जी, हम तीनों साथ चल रहे हैं। इसको तो लाता कोई नहीं। अबे शहजादे है तू, पता क्यों है? इस कैद से तेरा राज